बीजेपी को अपना घर संभाले ज्यादा पंचायती करना छोड़ गए। कांग्रेस पंचायती नहीं करे, वो ऐसी तो नहीं है कि वो पंचायत करने के लायक भी है। जिन्होंने आज़ादी जंग में मुखबरी करी हो, बीजेपी के जो पहले नेता थे, आरएसएस और बीजेपी हो, इनके कई नेताओं ने उस जमाने में तो पार्लियामेंट डिस्कशन भी हुए कई बार। तो कई लोग ऐसे थे उस जमाने में जो कि मुखबरी करते थे अंग्रेजों की, भाग लिया नहीं फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। कांग्रेस ने तो त्याग, बलिदान, कुर्बानी, कहानी आज़ादी की पहले की भी है। मुतला नेहरू से लगा करके जितने भी अध्यक्ष बने हों या नेता हुए हों, क्या क्या नहीं किया। मुद्रा नेहरू ने अपना इलाहाबाद का स्वराज भवन, आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया, देश को दे दिया है। किसकी बात इनको शर्म भी नहीं आती है कि आप किसकी बात करते हो। ये नए नए लड़के आगे वो समझते नहीं है कि इनको पहले को इतिहास पढ़े फिर बोलना सीखे, तो कम से कम उनकी खुद की इमेज खराब नहीं हो। वरना जब इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं वो उनकी हंसी उड़ाते हैं। इनको कोई ज्ञान तो है नहीं। रबरेस्ट टाइम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे रबरेस्ट टाइम। कल सोनिया गांधी जी खुद उनके घर गई है, घर के साथ इच्छा थी कि मैं जाऊँगी यहाँ पर। जिसने 24 साल तक कांग्रेस की सेवा करी है, कांग्रेस एकजुट रखा है, 2 बार सरकार बनाई है यूपीए की, अधिकार राज्यों में सरकारें बनवाई उन्होंने राज्यों की, और एक आज रेस्पेक्ट कमांड करने वाले देश में कोई नेता है तो वो सोनिया गांधी है, जिसे प्रधानमंत्री पद भी छोड़ दिया। प्रधानमंत्री बना है अलग बात है, और रेस्पेक्ट कमांड करना दूसरी बात है। सोनिया गांधी रेस्पेक्ट कमांड कर रही है, उनका नहीं वो नहीं आएंगे मैं जाऊंगी, वो खुद आए वहाँ पर, हम लोग वहीं मौजूद थे। तो एक तरफ तो ये परंपरा कांग्रेस की है जो संविधान की आत्मा को साथ लेके चल रही है, लोकतंत्र के लिए जान दे दी, अपने देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए। इंदिरा गांधी शहीद हो गए, भाई क्या पड़ा था उनको, उनको मालूम था मेरी जान जा सकती है, फिर भी वो तमाम फैसले किए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिले।